display sum of all even numbers for a given range. Range means from A to B. Range means A to B. Suppose that अगर A का value enter किया 5 and B का value किया something 20. B is 20. Then इस केस में अगर इस range क्या display कराना है, इस केस में 5 और 20 के केस में generated काउंटिंग नंबर्स क्या हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 लाइक दैट. इन इस केस में इवन नंबर्स कौन से हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया था. इवन नंबर मींस व्हिच इज डिविजिबल बाय 2. इस केस में 5 को 2 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं. 6 कैसा डिविजिबल बाय 2, 8 कैसा इवन, 10 इज इवन, 12 इज इवन, 14 is even, 16 is even, 18 or 20. Suppose that अगर B का value 21 होता, तभी भी even number कब तक होता, up to 20. Finally, इस case में remove क्या करना means 6 is something means इस case में सबसे पहले identify करना A का value क्या. अगर A का value 5 है, then A के case में next number क्या आएगा even 5 plus 1. बट सपोज दैट अगर ए का वैल्यू 4 एंटर किया देन ए इटसेल्फ ऑलरेडी कैसा इवन, देन ए को भी इंक्लूड करेंगे. देन इस टाइप के लॉजिक्स ऑलरेडी डिस्प्ले कराया था. मींस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बार वॉच करना आप, डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स फॉर अ गिवन देन. जिस केस में सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर अ गिवन एप्लीकेशन. फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड इस केस में, सिंपली four variables, integer, iterative variable I, then sum display कराने के लिए use करें some result as 0, then range को manage करने के लिए again required क्या हो, variable A, B, where A is a minimum range and B is a maximum range, then reading inputs from a keyboard, puts enter two number A and B, enter value for A, B, next one, reading inputs from a keyboard, scanf, percent d percent d, m percent of a m percent of b. Next one, अब सीरीज को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या लूप्स. लूप्स के केस में ऐसा कोई श्योरिटी नहीं कि लूप आपको इस केस में ए से स्टार्ट करना है या बी से स्टार्ट करना है. मीन्स ए से स्टार्ट करना है, ए प्लस वन से स्टार्ट करना है. मीन्स अगर ए ऑलरेडी इवन है, अगर a इवन है देन किससे स्टार्ट करेंगे, a से. बट सपोज दैट मींस अगर a इवन है देन लूप कहां से स्टार्ट होगा, a से. अगर a ऑड नंबर है, इफ a इज ऑड नंबर देन लूप कहां से बिगिन होगा, फ्रॉम a प्लस 1. ऑड नंबर मींस अगर a 4 है देन 4 से स्टार्ट कर लें. बट सपोज दैट अगर a का वैल्यू क्या है 5, देन 5 क्या है ऑड नंबर, इसलिए 5 से स्टार्ट करना पॉसिबल. 5 के जस्ट वन नेक्स्ट कमिंग इवन नंबर क्या 6, इस केस में स्टार्ट किससे करेंगे, a प्लस 1. a प्लस 1 मींस 5 प्लस 1. इस केस में अब ए के केस में लूप स्टार्टिंग कहां से कराना, डिपेंड किस पर करेगा, वैल्यू ऑफ ए. इन ए के केस में पहले चेक करेंगे ए इवन नंबर है और ऑड नंबर है, तो इस केस में लॉजिक कौन सा अप्लाई कराएंगे, चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड. ए के रिस्पेक्ट में चेक करना ए इवन नंबर है ऑड नंबर है. अगर ए इवन है यूज क्या करेंगे, इफ ए मॉड्यूलो बाय 2 इक्वल इक्वल 0. अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ए कैसा है even number. अगर condition false है देन a कैसा है odd number. अगर a even number है देन true session में क्या return कराएंगे, simply a. अगर a odd number है देन perform क्या कराएंगे, a plus 1. देन जो भी इस expression का result आएगा, result case में initialize करेंगे inside variable i. देन loop कब तक चलाना है, up to b तक. इस क्या करेंगे, i less than equals to b. डिफरेंस कितने का हुआ है इवन नंबर्स के केस में, एवरी टाइम 2 का डिफरेंस. यूज क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2. क्या डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, 2 का डिफरेंस. बाकी रिमेनिंग केस सेम होंगे, अगर रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस आई, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस आई, देन डिस्प्ले वैल्यू ऑफ रिजल्ट, प्रिंट एफ डिस्प्ले वैल्यू ऑफ रिजल्ट. इस केस में कुछ इटरेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं. जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ इनिशियली, फर्स्ट वन वेरिएबल डिक्लेरेशन कितने, देयर आर 4 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड इन दिस केस, 4 वेरिएबल डिक्लेरेशन.
variable I, variable result, variable A and variable B. I के केसेस में इनिशियल वैल्यू सभी वेरिएबल्स में दिया गार्बेज, लेकिन रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या है? जीरो. रिमेनिंग प्लेसेस आर इनिशियलाइज्ड बाय सम अननोन वैल्यू एज गार्बेज. नेक्स्ट वन, थर्ड सीक्वेंस मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एज अ एंटर ए कॉमा बी, एंटर ए कॉमा बी समथिंग. नेक्स्ट वन, पुट्स फंक्शन यूज किया, इसलिए कर्सर कहाँ होगा? नेक्स्ट लाइन पर. नेक्स्ट लाइन के केस में टू नंबर सेंटर करना यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन. जब स्कैन एफ को चांस मिलेगा टू नंबर सेंटर करने नीड है, इस केस में मैंने एंटर किया समथिंग 5 and 10. तो इस केस में डिस्प्ले करना चाहिए सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 10. अगर ऑल काउंटिंग नंबर्स की बात करें तो 5 और 10 के बिटवीन में काउंटिंग नंबर्स कितने? 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेकिन इस केस में इवन नंबर्स कितने? ओनली 6, 8 and 10. इन दैट केस, इस केस में एडिशन या लूप 5 से स्टार्ट करना चाहिए, 6 से, इसलिए इस केस में गिवन लॉजिक से अप्लाई किया. प्लस इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा? 6 plus 8 plus 10, सम ऑफ दिस 3 नंबर्स. इसे स्मॉल केस यूज किया जैसे इजीली एक्सप्लेन करना पॉसिबल. इन दैट केस फर्स्ट वन, ए और बी के लिए वैल्यू क्या रीड कराया? 5 and 10. देन 5 किस में साइन होगा? इनसाइड वेरिएबल ए. एंड बी का वैल्यू क्या है करंटली? 10. नेक्स्ट वन, इनिशियलाइजेशन. जब आई में मिस लूप के केस में जब इनिशियलाइजेशन सेशन एग्जीक्यूट, दिस वन कंप्लीटली कंसीडर्ड एज इनिशियलाइजेशन बिकॉज ऑफ फर्स्ट सेमीकोलन. इनिशियलाइजेशन के केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका? कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट कंडीशनल ऑपरेटर. तो सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे? कंडीशनल ऑपरेटर. और कंडीशनल ऑपरेटर के केस में सबसे पहले सॉल्व किया वो कंडीशंस. कंडीशन क्या इस केस में? ए मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0. ए के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे वैल्यू ऑफ ए विच इज 2. 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0. 1 इक्वल इक्वल 0. कंडीशन इज फॉल्स. फॉल्स मीन्स 0. कंडीशनल ऑपरेटर के केस में अगर इसका रिजल्ट फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है, देन चांस किसको प्रोवाइड होगा? इट्स अ फॉल्स सेशन. फाइनली इस प्लेस पर रिजल्ट किसका आएगा? फॉल्स एक्सप्रेशन विच इज ए प्लस 1. इसे इसका सिंपली मीनिंग क्या हुआ? लाइक आई इक्वल्स टू ए प्लस 1. ए का वैल्यू क्या करंटली? 5. 5 plus 1 बिकम्स 6. फाइनली आई के केस में आसान क्या हो रहा है स्पेस पर? 6. वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 6. और स्टार्ट भी किससे कराना था? 6 से, अगर ए का वैल्यू 5 है तो. क्यों 5 इटसेल्फ कैसा है? ऑड नंबर्स. परफेक्टली देन कंडीशन टेस्टिंग. फोर्थ फिफ्थ केस क्या था? इनिशियलाइजेशन. सिक्स्थ केस इज कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशंस के केसेस में जब इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे वेरिएबल्स के प्लेसेस पर इनके वैल्यू रिप्लेस कराएंगे. आई के केसेस में रिप्लेस किया हुआ 6 एंड बी का वैल्यू फिक्स है. बी के केस में क्या रिप्लेस होगा? 10. बिकॉज कीबोर्ड से एंटर किया गया है इस केस में 10. 6 less than equals to 10 कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको प्रोवाइड होगा? बॉडी एग्जीक्यूशन. बॉडी के केसेस में जब इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे रिजल्ट का वैल्यू क्या करंटली? 0. 0 प्लस I का वैल्यू क्या है? 6. 0 प्लस 6 इज 6. 6 आसानी किस में जाएगा? वेरिएबल रिजल्ट में. नाउ रिजल्ट बिकम्स 6. देन बॉडी एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद अगेन चांस किसको प्रोवाइड होगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन. 6, 7, 8 केस क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन. I इक्वल टू I प्लस 2. I का वैल्यू क्या है? 6. 6 प्लस 2 इज 8. 8 इज असाइन टू द वेरिएबल I. नेक्स्ट वन अगेन 9th केस अगेन कंडीशन टेस्टिंग. 8 के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद एग्जीक्यूट क्या हुआ? कंडीशन टेस्टिंग. I का वैल्यू कितना फाउंड हो रहा है? 8. एंड बी का वैल्यू अभी भी क्या? 10. कंडीशन अगेन ट्रू. कंडीशन ट्रू है फिर से चांस किसको मिलेगा? बॉडी सेशन को. 9 का नेक्स्ट सेशन क्या? 10. मीन्स रिजल्ट, रिजल्ट का वैल्यू क्या करंटली? 6. आई का वैल्यू फाउंड हो रहा है 8. 6 plus 8 इज 14. असाइन किसमें हुआ रिजल्ट में? वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स 14. देन बॉडी एग्जीक्यूशन बाद चांस किसको प्रोवाइड हुआ? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन. नेक्स्ट वन 11 सीक्वेंस. आई का वैल्यू फाउंड हो रहा है 8. 8 प्लस 2 एडिशन इज 10. असाइन टू द वेरिएबल आई. आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या हुआ इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग? 10. क्योंकि 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी टाइम. नेक्स्ट थिंग्स कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन टेस्ट हुआ तो कंडीशन में आई के प्लेस पर क्या आएगा? 10. बी का वैल्यू फाउंड क्या हो रहा है? 10.
condition is true, because 10 is less than 10 is equals to 10, true. True then again body part execute करेंगे, sequence is 13, result के places पर क्या आएगा, result का old value 14, और I के place पर I का current value 10, 14 plus 10 is 24, assigned to the variable result, value of result becomes 24, then again control का send करेंगे, increment, decrement session, 14 sequence, I का value का 10, 10 plus 2 becomes 10 plus 2 becomes 12. One more thing, अगर conditions के cases में या I का value, B का value चाहे 10 enter किया हो या 11 enter किया हो, दोनों केस में same case है. Suppose अगर B का value 11 भी होता, तब भी क्या था इस केस में? Next time, I का value क्या हो चुका? 12. 12 के cases में condition कैसा है? Condition becomes false, because I के place पर क्या replace करेंगे? 12 या 10 से कंपेयर कराओ या 11 से, दोनों केस में कंडीशन फॉल्स हो जाए, इसलिए कर्सर कहां है? आउटसाइड, आउटसाइड बॉडी. नेक्स्ट सीक्वेंस क्या इसका? बॉडी केस में 16 सीक्वेंस, प्रिंट अप डिस्प्ले वैल्यू ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का वैल्यू 24 है, इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में? 24. दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. सेम केस अगर ऑड नंबर के लिए मैनेज करना, मींस डिस्प्ले sum of all odd numbers for a given range. Odd number के केसेस में इस प्लेस पर expression क्या था? Even number के केस में अभी मैंने just condition क्या प्रोवाइड किया? A modulo 2 equal equal 0. अगर एक condition true है, then written क्या होना चाहिए? इसे value of A itself, otherwise A plus 1. अगर इस केस में odd number का sum display कराना, then इस केस में use क्या करते? 0, 1. इस केस में comparison किससे कराते? 1 से. 1 means suppose that 10, अगर A का value 10 है, 10 even number है, even है, divide करने पर remainder क्या आएगा? 0, remainder is 0, लेकिन comparison किससे हो रहा है? 1 से. इस केस में अगर A 10 है, 10 means even, तो start कहां से कराना होगा? 11 से, इसलिए use क्या करेंगे? A plus 1, condition false हो जाए, then क्या आएगा? A plus 1, means 11, 10 plus 1 becomes 11, then A का initialization किससे हुआ? 11 से, in case of odd numbers. Like that. One more things, अगर आपको multiples के form में display कराना, means display sum of all multiple of 3 from A to B, means A से B से ले, A से लेकर B तक के between में जितने भी 3 के multiple number हों, सभी number का sum display कराना. इस type की logic implement करेंगे next session और next video.